नमस्ते दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपका मोबाइल पे अगर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली मैं आपको वीवो मोबाइल पे दिखाऊंगा इसका सॉल्यूशन, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी मोबाइल पे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो गाइस देखिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो प्रॉब्लम है दो कारण से होता है। एक यूजर की वजह से, यानी कि जैसे हम लोग यूज कर रहे यूज की वजह से, एंड नंबर टू जो यहाँ पे डिवाइस की वजह से, एंड डिवाइस पे भी दो कारण से हो सकता है। एक जो है सॉफ्टवेयर की वजह से, एक जो है हार्डवेयर की वजह से। तो यहाँ पे मैं सभी जितना भी पॉसिबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मैं बताऊंगा या सेटिंग बताऊंगा। एंड आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको मोबाइल पे फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम का। तो गाइस यहाँ पे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले जैसे आप एक उंगली को एक बार क्लीन करके फिर आपको यूज करना, एंड साथों साथ आपको यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है सेंसर है यहाँ पे भी आपको क्लीन करके यूज करना है, जो फर्स्ट नॉर्मल है आपको सभी को पता है। सेकेंड में बताऊंगा यहाँ पे आपको सेटिंग भी जाके आपको देख लेना है सिस्टम अपडेट ऑलरेडी अप टू डेट है कि नहीं है। अगर अप टू डेट नहीं है तो साथों साथ आपको जो यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है, फिर मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। नंबर टू यहाँ पे बता दो, आपको सेटिंग पे जाना है अगेन, देन आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड इस ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे जितना भी फिंगरप्रिंट है सबको आपको यहाँ पे एक एक करके डिलीट कर देना है। देन आपको अगेन ऐड टू फिंगरप्रिंट में जाके अगेन आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है, उसके बाद मोबाइल को रिस्टार्ट करके ऑन कर लेना है। गाइस यहाँ पे आप ऊपर देख पाओगे यूज फिंगरप्रिंट फॉर अनलॉक, ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। यहाँ पे बता दो ये जो अनलॉक का ऑप्शन है किसी किसी मोबाइल पे रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है, तो आपको चेक कर लेना है। नंबर थ्री बताऊंगा अगेन आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोर सेटिंग पे जाना है। मोर सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट, तो आपको मोबाइल पे अलग अलग प्लेस से मिल सकता है। बैकअप रिसेट में जाके यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है, रिसेट नेटवर्क सेटिंग, रिसेट ऑल सेटिंग, इरेज ऑल डाटा। तो आपको यहाँ पे जो नंबर टू पे दिखाई दे रहा है रिसेट ऑल सेटिंग, इसको आपको रिसेट कर लेना है। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट तो काम नहीं कर रहा, तो स्क्रीन लॉक खोल के यहाँ पे आपको ऑल रिसेट कर लेना है। तो रिसेट करने के बाद अगेन आपको रिस्टार्ट करके फिर आप चालू करोगे तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे बताऊंगा आपका मोबाइल पे भी सेम आपको यहाँ पे इंफ्रारेड प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो इसके वजह से भी फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी सॉल्यूशन बना दिया वीडियो, तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो मैं चार पांच सेटिंग बताया, एंड इसके बाद भी अगर आपका मोबाइल पे फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो इसके मैं लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, जो है शायद हार्डवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको रिपेयर शॉप में लेके जाके रिपेयर कर लेना है। बट उससे पहले मैं एक ढांसू आइडिया बताऊंगा जो आपको यहाँ पे ट्राई करना है, मस्ट भी ट्राई करना है आपका मोबाइल पे। बट उससे पहले आपका डाटा जितना भी सेव कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सेटिंग बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको जितना भी डाटा है सब लॉसेस हो सकते हैं। तो उसके बाद में जब भी आप श्योर हो जाओ कि आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, उसके बाद आपको दो तरीके से आप इस सेटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद मोर सेटिंग, एंड मोर सेटिंग के बाद अगेन आपको जाना है यहाँ पे बैकअप एंड रिसेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जैसे आपको बताया था रिसेट ऑल सेटिंग का, तो उससे नीचे एक ऑप्शन आएगा इरेज ऑल डाटा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको जितना भी डाटा है, जैसे देखिए फॉर्मेट फोन स्टोरेज एंड इरेज एचडी कार्ड, तो आपको फोन में जितना भी स्टोरेज है तो आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, एचडी कार्ड का कोई भी जरूरत नहीं। एंड साथ साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे जितना भी आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी सभी यहाँ पे सिलेक्ट होगा, एंड उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा क्लियर नाउ, आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। एंड क्लियर करने के बाद तुरंत जो मोबाइल रिबूट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा, एंड जितना भी डाटा आपका फॉर्मेट हो जाएगा, एंड आप जैसे नया मोबाइल खरीदे थे सेम ऐसे हो जाएगा। एंड आपको अगेन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देके लॉग इन करना है, अदरवाइज आप एक दूसरा तरीके कर सकते हो, आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना है, एंड उसके बाद आपका वॉल्यूम ऊपर वाला वॉल्यूम अपर एंड पावर बटन साइमल्टेनियसली दबा के रखना है मोबाइल स्विच ऑफ के बाद। एंड जब तक आपको वहां पे स्क्रीन पे कुछ लिखा ना आए तब तक आपको प्रेस करके रखना है। एंड उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा फैक्ट्री डाटा रिसेट, उसको आपको क्लिक करके फैक्ट्री डाटा रिसेट कर लेना है। एंड उसके बाद 100% श्योर अगर आपका सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या फोन में कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम था तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जितना भी सेटिंग बताया अगर आपको नहीं हो रहा है तो लास्ट तो आपको पता है कि आपको रिपेयर शॉप में जाके प्रॉब्लम बताना है, एंड वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल बेल आइकन उसको प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही,
नमस्कार।